अस्सलाम वालेकुम। की हाल है मेरे वीरां दा, मेरे भैन भरावां दा। सवेरे सवेरे ना मैंने अज ना एक चीज़ आई है कि बच्चे साढ़े जिहड़े ना बच्चे असीं बच्चिआं ना बिल्कुल उस तरह बना छड़े है जिस तरह जन्नी आंदे नी चिड़ियाघर च शेर। मेरे ख्याल से सानू चिड़ियाघर का शेर नहीं बनाना चाहिए, सानू जंगल का शेर बच्चे बनाना चाहिए। एक मिसाल दे रहा इस वास्ते कि बच्चों तुसी अपने बजुर्गों नाल वालदैन दे नाल चाचियां बाबियां नाल बिठाया करो, इस वास्ते कि वो गलबात सुनन, उन्हां दी पता लगे की वक्त गुजरिया सी और किवें गुजारना चाहिए है और किवें लोगों नाल तलक रखने चाहिए, क्योंकि चंगीआं गल्लां करदे ने। असा भी ये गल्ल सारिया बजुर्गों को बैठिया, मेरी एक आदत होती सी कि बजुर्गों को बैठे बैठिया उन्हें गल्ल सुननी, उन्होंने अमल करने की कोशिश करनी। तो यही गल मैं कहूँगा तो अपने बच्चों जोड़ा ना बजुर्गों को बिठाया करो, उन्होंने गपशप लाया करो। बाकी है कोई नहीं, नहीं नहीं अज अज नहीं वो नहीं, बच्चे अंदर बनाए है पाए है पिंजरे ना, कुछ पता है की करना है, कौन चाचा है कौन बाबा है कौन रिश्तेदार है, लोगों का वरतना किमें है, दोस्तों ने किमें वरतना है, लोग बाहर मार्केटां च किवें दुकानदारां नाल किवें चलना, बाकी मतलब दफ्तरां च किवें, मतलब सारी चीज़ां दा पता ही नहीं है। बिल्कुल ही बच्चे पढ़ा छड़े है ना, उन्होंने चंगी का पता है ना उन्होंने मंदी का पता है। इस वास्ते कि बच्चे वालदैन नाल दादियां को बिठाया, नानियां को बिठाया, सारा इस तरह किया। दूजे नंबर पर एक जरूरी गल ये कि अस बच्चे जाते स्कूल जाते हैं, स्कूल बच्चे उर्दू बोलते हैं, ठीक है उर्दू बोलो, लेकिन असं जो पंजाबी हाँ सानू अपने घर में पंजाबी बोलनी चाहिए है बच्चे, ताकि एक लैंगुएज है ना, भी देखो पंजाबी एक लैंगुएज साड़ी माँ जी जबान है, वो सानू बोलनी चाहिए है। पंजाबी बोलो, तुम पंजाबी गल करो बच्चों नाल, इंग्लिश भी उन्हें आ जाएगी स्कूल में। असं भी इंजी उर्दू स्कूल सीखी है, इंग्लिश भी स्कूल सीखी है, इंग्लिश भी आ जाती है, उर्दू भी आ जाती है, तो बच्चों नाल पंजाबी बोलिया करो, ये कोई गल नहीं, अपनी जबान जी खो दई है। ये ना गैरतमंद कौम इस तरह नहीं करती, जेड़े मतलब अपना कौम ना अपना असी कोई गुलाम कौम थोड़ी हाँ। पंजाबी जबान है माशाल्लाह, इतनी अच्छी जबान है साड़ी, सानू सो पंजाबी। मैं वेख्या कि मैं गया इंग्लैंड गया, तो मैं एयरपोर्ट पर ना तुम पता लैंड लगी होंगी है, इतों एयरपोर्ट से उतरे तो अगो फिर काउंटर लगे होंगे, जो काउंटर लगे उस काउंटर ना सिख सी, सिख ना मैं सीधा गया, तो पहले इस लफज उस इंग्लिश तब बोलिया मैं ही बोलिया, फिर वो मैंने कहता कितों आया, मैं पाकिस्तान तो आया, तो कहता कितों पाकिस्तान तो आया, मैं मंडी बहुत दिन तो आता, अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर पंजाबी बोलना शुरू कर दिता, उन्हें पंजाबी मेरे ना ठीक बोलिया, तो कहता कमाल है ये। उन्हें मैंने उन्हें आख्या कि उन्हें आख्या कि असं तो अपनी जबान पंजाबी बोलने तो या इंग्लिश बोलने, तुम जो लेंदे पंजाब वाले हो तुम पंजाबी बोलते नहीं है, तुम उर्दू बोलते बोलते हो, तुम पंजाबी बोलिया करो। सानू भी पंजाबी बोलनी चाहिए है, उर्दू साड़ी कौमी जबान है, ओके बड़ा अच्छा है। इंग्लिश जी सन बोलनी, इस वास्ते एक सन दुनिया ना तलक रखने वास्ते बोलनी चाहिए। बाकी पंजाबी लैंगुएज जी सन अपने एक दूजे ने मिलीए तो बोलिया करिए, बोलिया करो। मैं कई बार मेरी गल होती मंडी किसी नाल तलक कोई बंदा आज ना भी गल कर दें उर्दू बोलना शुरू कर दें, और मैं ना यार मेरी जान मेरे ना पंजाबी बोल, मैं मंडी दी हाँ, मैं उतों का रहना है, तो मैं पंजाबी ना पंजाबी गल कर, मैंने पंजाबी मिठी जबान है साड़ी, पता लगे अपना है, अपनी महसूस होती है ना। इतने इस्लामाबाद नहीं होंगे कि मैं मुख्तलिफ जाना ना जगह पर दफ्तर जारी गल सारे बंद तो नहीं जानता, मैं मंडी दिया बंद तो उन्होंने मिलना नहीं जिस वे तो अगो पंजाबी बोल दें, तो अपनी जबान बोल दें ना ठक, मैं पता लग मैं भाई जी मंडी दे आ गया, वो फिर बड़ी आसानी होंगे एक दूजे गप शप लाई दी, तू घेड़े पेड़ दे आइए, वो जिंदगी तो है ही है ना, मुहब्बत प्यार सारा चीज़ा। तो बच्चों उर्दू पंजाबी सिखाओ, घर पंजाबी बोलिया करो, बड़ी मिठी जबान है, कोई हरज नहीं होंगी ना कोई प्रॉब्लम होंगे, ये बेहतर होंगे बच्चों और दूजे बच्चों बजुर्गों को बिठाया करो, बजुर्गों को सारे को अपना बैठा, उन्होंने को मशुरे ले, उन्होंने गल् सुन, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करन, लेकिन उन्होंने ही बहन पिंडा च भी शहर च भी, ये बड़ा जरूरी है। तो बस ये गल करनी सी मैं कि साड़ी जी एक लैंग्वेज ने पंजाबी, ये गौर करना चाहिए, ये बोलनी चाहिए बच्चों, और बच्चों सब तो वही गल है कि बच्चों तुम शॉप से दुकान पर जाओ कोई चीज़ लैन वास्ते, तो बच्चों बेचो, बच्चे बेचो, बच्चे आखो जा बेटा जा अपना लै आ, तू लै गया, फिर पैसे गिने, छोटे बच्चे जिन्हें वो पैसे गिने, बकाया इतना है, दुकानदार ना बार गिने करे आके बाहर नज़दीक सामने, ये नहीं कि मंजे बेच छोड़ा लुगिया
ਮਿਸਾਲ ਕੇ ਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਖੜੀ ਕਰੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆ, ਇੰਝ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਕਲਿਆ ਬੱਚਾ ਭੇਜਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਰੋ ਮਾਰਕੀਟ ਭੇਜ ਛੱਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਣਾ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਿਆ ਲੈ ਆ ਚੀਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਆਖੇ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਰਿਆਇਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਆਖੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਉਰਦੂ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਲਮੋ ਅਦਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਲਮ ਅਦਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਬੋਲਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੀਤਾ, 6-7 ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ, ਮਿਲੀਦਾ ਬੜਾ ਚਾਵਲ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਡੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਿੱਟੀ ਆਈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ ਯਾਦ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਈਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਆਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਲਦੈਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਕਲਾਸਿਕ ਬਲਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਪਸ਼ੱਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲ੍ਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।